क्रिसमस माने प्रभु यीशु मसीह का जन्म का त्यौहार है। बाइबल में प्रभु मसीह के जन्म का एक संक्षिप्त रूप लिखा है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा। बेड़ू से मैरी क्रिसमस, मुझे तो छुपाई दे यार। मैरी क्रिसमस इंगड़ वाली जी बोल दो। तो सभी मेरे भाई और मेरे प्यारी भाइयों की बहनों को मैरी क्रिसमस। तो हम लोग निकल गए हैं 12:30 लगभग 1 बजने वाला होगा और हम निकल गए वहाँ से चर्च से। फर्स्ट टाइम था हमारा, फर्स्ट टाइम हम लोग चर्च वगैरह में ये सब चीज़ें देखी, क्योंकि हम लोगों को लिटरली पता नहीं था ये सब चीज़ें होती है सेलिब्रेट वगैरह। मतलब ईद नॉर्मली तो पता था, इतना अच्छा, ओह गॉड, मतलब मज़ा आ गया, मज़ा ही आ गया है ना, बहुत मज़ा। और लास्ट वाला डांस दो और साहिल का दो और साहिल का डांस दो, क्या ही बोले अब। चलो फिर मिलते हैं फिर आपको कल, पॉसिबल हो पाएगा तो कल शॉर्ट करेंगे। ओके बाय बाय। और प्लीज़ हेलमेट के लिए मत भूलना इस टाइम कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अभी कोई है नहीं, तो नॉर्मली हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है। केदारनाथ डांस करते हुए देखा। अरे बहुत बड़ी डांसर है, दिखाती नहीं अपना टैलेंट। हाँ मैं इतना अच्छा डांस कर रही थी, देखा नया डांस, मेरे शॉर्ट हो गए नया को देख रही थी 2 मिनट तक। देखा, मैं खाना खाऊंगी।
बिग चम्मच। अब बोलो मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। सब में बाउल ही है। हाँ सब में बाउल है। 41 हाँ ठीक। हाँ ये रहा ये रहा ये रहा। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। ठीक फाड़ दे। मिला 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 once again हेलो इसमें भी वही है। हेलो तुमने उठाया भी नहीं यार। येलो और ये क्या है पिन। ये वो है ऑल पिन। याद बोल रही थी सुई लेके आना अपने लिए दर्द के लिए हमें सुई भी मिल गई। हाँ जो लेके कमॉन सूरज क्या 69 ढूंढो। अरे यहाँ पे था 69। ये रहा सूरज 69। यार ये भी बाउल है यार। एक ले ले पर यार एक दवा हमारे पास सही है। बहुत सही चीज मिली तेरे को। बहुत अच्छी चीज मिली बहुत ही अच्छी चीज मिली। इधर दिखाना गलत चीज बोलना चाहिए। मुंह कर रहा हूँ बहुत 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 क्रिसमस माने प्रभु यीशु मसीह का जन्म का त्योहार है। बाइबल में प्रभु मसीह के जन्म का एक संक्षिप्त रूप लिखा है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा जिसे कि जो उस पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन प्राप्त करें। यही ईश्वर की इच्छा है और ईश्वर का प्रेम है प्रभु मसीह। ईश्वर पूरे धरती को मानव जाति को और हम हर एक को प्यार करते हैं और प्रभु मसीह प्यार का नमूना है और हमें प्यार करने के लिए यहाँ पर सिखाते हैं अपने जीवन द्वारा मानव जाति को प्यार करते हुए दूसरों के लिए जीवन अर्पित करते हुए जीवन बिताए और उनकी मृत्यु के बाद वो पुनर्जीवित हुए हैं और जिसके कारण दुनिया भर का सबसे महान त्यौहार के रूप में क्रिसमस मनाते हैं। और क्योंकि प्रभु मसीह पुनरुत्थित हुआ पुनरुत्थान के बाद अभी भी जीवित है। मसीह के द्वारा अभी भी बहुत सारे चमत्कार होते हैं। मसीह के नाम पर उनके नाम लेते हुए हम प्रार्थनाएं करते हैं। चंगाइयां लोगों को रोगियों को चंगाइयां मिलती है और बहुत सारे चमत्कार होते रहते हैं। इसलिए हमारा विश्वास के अनुसार हम जो विश्वास करते हैं हम अनुभव करते हैं मसीह अभी भी जीवित है। हम प्रार्थना करते हैं मसीह के द्वारा बहुत सारे जीवित चमत्कार होते रहते हैं। मसीह ईश्वर का पुत्र है। ईश्वर का पुत्र प्रभु ईश्वर का प्रेम है और उस प्रेम का त्योहार है क्रिसमस। थैंक यू सो मच। और आप इस चर्च के बारे में बताओगे ये हाईएस्ट कब बनाया चर्च जो है 2001 में यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ था। ये बनने में 10 साल हुआ था। 2001 में इसका पत्र डाला गया था। 10 साल का अंतराल में चर्च का निर्माण हुआ। आप कह सकते हैं उत्तराखंड में सबसे बड़ा चर्च है लेकिन तो लोग कहते हैं ये एशिया का सबसे बड़ा वो है। वो तो लोगों ने इसे डाल दिया था कि एशिया का सबसे बड़ा नहीं लेकिन इस चर्च की खूबी है। आप चर्च के अंदर जाएंगे देखेंगे बहुत सारे चित्र दिखाएंगे। उसी बातों पर इंडिया में और एशिया में शायद इसी प्रकार के चर्च नहीं हो। किसी ने स्टडी नहीं किया लेकिन ऐसे कोई चर्च नहीं है जहाँ पर पूरा जो ईश्वरीय रहस्यों को चित्र के रूप में भारतीय चित्रों के रूप में दर्शाएगी। पूरे भारतीय ये जो चिन्ह है हमारे वेशभूषा है सब भारतीय लोगों की वेशभूषा है और जो वर्णन किया गया है आपको मोल्डिंग पिक्चर्स दिखेंगे चर्च के अंदर
बाहर भी देखेंगे, दरवाजों पर आप देख सकते हैं वुडन कार्विंग्स देख सकते हैं, ग्लास पैनल्स में शिष्यों के चित्र बनाए हुए हैं, इसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के चित्र और यीशु के रहस्यों को चित्रों द्वारा दर्शाया गया। इसी प्रकार के चर्च आपको और कहीं मिलने को नहीं होगा, ये इसकी खूबसूरती। तो आप लोग मतलब आज ही प्रोग्राम ले सकते हैं या फिर कल? एक्चुअली हमारे जो है क्रिसमस यहाँ कहीं पर आप कैथोलिक चर्च में जाएंगे 25 रात के प्रोग्राम है, 25 रात के माने 12 बजे से लग असर लगी। ये साल हमने थोड़ा जल्दी रखा क्योंकि कोरोना का है, तो थोड़ा जानते हुए इसको हमने जल्दी रखा और सब लोगों को एक साथ नहीं लाने की सोचा, इसलिए कल सुबह भी हमारा पूजा होगा सुबह 8 बजे 8:30 बजे। जो आज नहीं आ पाए हैं उन लोग कल सुबह 8 बजे 8:30 बजे यहाँ पर। और ये प्रसाद वगैरह बनता है वो कब चलता है? घर में गुजिया वगैरह ये सब चीजें हमारा ऐसे तो उसमें कोई मतलब नहीं है, हमारा तो मेन है प्रभु मसीह का जन्म है। प्रभु मसीह का जन्म माने चरणी, अक्सर हम एक दर्शाते हैं कि प्रभु मसीह का जन्म चरणी में हुआ था, लेकिन हम चाहते हैं कि चरणी में नहीं हमारे हृदयों में ईश्वर का जन्म होना है। इसलिए हम लोगों को सिखाते भी है कि हमें पवित्र रहना है, हमारे हृदय पवित्र रहना है, हमें पापों से दूर रहना है। पवित्र रहने पर हमारे जब अच्छे रहेंगे, पवित्र रहेंगे, सही रहेंगे, तो ईश्वर का निवास, ईश्वर का जन्म हमारे जीवन में होगा। ये क्रिसमस का संदेश है कि हम अच्छे रहे, निर्मल रहे, पवित्र रहे और ईश्वर का जन्म हमारे हृदयों में हो। सर आप अपना नाम बता सकते हैं? मेरा नाम फादर शाजू। थैंक यू सो मच फादर। थैंक यू। मैरी क्रिसमस। तो अभी हम आ चुके दोनों चर्च से, तो अभी बच गए रात के 2 और मुझे लगता है अगर मम्मी लोग नहीं उठेंगे तो हमको डांट, हाँ भारी सोना पड़ेगा। ये झूठ बोल रही है, अभी 1:30 बज रही है, 1:30 भी पूरी नहीं बजी है अभी। अभी भी गाइस अभी भी वीडियो पूरी नहीं हुई है, आपको पता है अभी हम रात को भी कुछ ना कुछ खुराफाती करने वाले, बहुत खतरनाक था प्लानिंग तो है, देखते हैं एग्जीक्यूशन सही होना चाहिए, बस बाकी देखते हैं भूत आना चाहिए बस। ओके फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, ये देखो बाकी गाइस। मुझे डर लग रही है, मुझे डर लगती है, बट मैं ये भूत बात का प्लान करने वाले हैं। तो ये नया व्लॉग है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तुम्हारे लिए भूत से पंगा ले रहे, माँ कसम लाइक नहीं करा ना खोपड़ी फोड़ दूंगा, लाइक कर देना चाहो। यार ये भूत से वो भी मैं पंगा ले रहा हूँ, जितने लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, चुप रहे 2 मिनट में व्लॉग बना रहा हूँ यार, जितने लोग मुझे जानते हैं उनको पता है भूत से कितना डरता हूँ। तो प्लीज रिस्क ले रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अभी यहाँ पे भूत की ऑलमोस्ट प्लानिंग हो चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। पंडित जी